नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत वाहेगावकर है और मैं पूना में स्थित सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन में हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का चीफ हैंड सर्जन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हैंड सर्जरी का मतलब क्या होता है, हैंड सर्जन कौन होता है। हैंड सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स की वो शाखा है या हम कहें स्पेशलाइजेशन है जिसमें हाथ की या कंधे से लेकर उंगली तक की किसी भी बीमारी का हम इलाज करते हैं। चमड़ी से लेकर हड्डी तक, चाहे वो नस हो, चाहे वो आपकी टेंडन्स हो, चमड़ी की प्रॉब्लम्स हो, हड्डी टूटी हो, उंगलियां कट गई हो, वो जोड़नी हो, बचपन में पैदाइशी हाथों के कोई विकार हो इत्यादि, इन सारी प्रॉब्लम्स का जो निवारण जो है वो हैंड सर्जरी की शाखा में होता है। तो हैंड सर्जन जो है वो प्राइमरीली ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है जिसने और एडवांस ट्रेनिंग ली होती है, माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी, पेरिफेरल नर्व सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और इन सारी स्पेशलाइजेशंस का जो मिलाप होता है उससे हैंड सर्जन बनता है। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हैंड सर्जरी में हम अलग अलग प्रॉब्लम्स का किस तरह से निवारण कर रहे हैं। सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं उसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं और आप लोगों ने भी शायद इस शब्द का, इस कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में सुना होगा। आज की तारीख में आईटी प्रोफेशनल्स, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग, गृहिणी जो होती हैं, घर पे काम करने वाले लोग, या तो फिर जिन लोगों को बार बार कलाई की हलचल करनी पड़ती है, उन लोगों में कुछ समय के बाद उंगली में झंझनाहट हो या उंगलियों में स्पर्श ज्ञान कम हो जाए, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है। हमारी सारी नसों का उगम हमारे मज्जा दंड से होता है और मज्जा दंड से ये जो नसें हैं वो रीढ़ की हड्डी की, गर्दन की रीढ़ की हड्डी के बीच में से निकलती हैं और गर्दन में उनका मिलाप होता है जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। एक जाली की तरह ये नसें वहाँ पे एक जटिल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स रचना में बनाई गई होती हैं और ये नसें गर्दन से निकल कर हमारे कॉलर बोन के पीछे से काख में आके अलग अलग हो के हाथ को सप्लाई करती हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपके घर में फ्यूज़ बॉक्स होता है जहाँ पे सारी वायरें एक साथ आती है और जो जो वो वायरें आपके रूम की तरफ आएगी तो पंखे के लिए एक होगी, लाइट के लिए एक होगी, तो ये नसें वैसे ही यहाँ पे पूरी मिली हुई होती हैं और जैसे आगे आती हैं हाथ में तो उनका जो काम है वो अलग अलग मांसपेशी और स्पर्श ज्ञान के लिए काम करें। तो उसमें से जो एक नस है उसे हम मीडियन नर्व कहते हैं जो हाथ के बराबर बीच में से, कोनी के सामने से बीच में से आके, कलाई के बीच में से आके अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली को सप्लाई करती है। नसों का काम ताकत देने में और स्पर्श ज्ञान आपको देने में होता है। जैसे कि आपके घर में जो बिजली है उससे पंखा भी चले, लाइट भी चले, उसी प्रकार से हमारी उंगलियाँ चलना या कोनी मोड़ना, कंधा उठाना, हमारे मसल्स को जो ताकत जो मिलती है नसों की वजह से मिलती है। और उसी तरह से हम किसी चीज़ को जब छूते हैं वो गर्म है या ठंडी है, नुकीली है या नहीं, ये जो हमें आभास या जो स्पर्श ज्ञान जो मिलता है ये नसों की वजह से होता है। जब इन नसों पे कहीं पे भी उगम से लेकर अंत तक दबाव या प्रेशर आता है या नस दबी जाती है तब हाथ में झंझनाहट होना या तो फिर भारीपन महसूस होना, स्पर्श ज्ञान कम होना और फिर ताकत कम होना, इस प्रकार के प्रॉब्लम्स का अनुभव व्यक्ति को होने लगता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप पलटी मार के जब ज़मीन पे बैठते हैं, कुछ समय बैठने के बाद जब हम उठते हैं तो पैरों में झंझनाहट आ जाती है। तो एक प्रकार की टेम्पररी स्थिति है जहाँ पर जांघ के पीछे वाली नस दबी जाती है। उसी प्रकार से जब कलाई में नस जो है वो काफ़ी समय तक दबी जाती है उसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें होता यूँ है
कि आपके हाथ में झंझनाहट होगी, स्पर्श ज्ञान कम होगा, कई लोग को ताकत कम होने का आभास होता है, हाथ में से चीज़ें गिरने लगती हैं। गृहिणियाँ कहते हैं कि हम सुई में धागा नहीं बो सकती हैं, या तो फिर आपको गर्म ठंडे में शायद उतना अच्छी तरह से स्पष्ट आपको फ़र्क नहीं महसूस होता है। रात में आपकी नींद ख़राब होती है हाथ भारी होने की वजह से, और कई लोग रात में उठकर हाथ को जैसे झटकना पड़ता है क्योंकि हाथों में झंझनाहट है। ये सारी चीज़ें जब हमें कोई व्यक्ति आके बताते हैं तो उसके से हमें एक कल्पना आ जाती है कि शायद ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। और जब ये कार्पल टनल सिंड्रोम का हम डायग्नोसिस करते हैं तो आपसे सुनने के बाद हम आपकी जांच करते हैं, जहाँ पे कई टेस्ट किए जाते हैं, और उन टेस्ट को लेकर आपके प्रॉब्लम से जोड़कर हम इस नतीजे पे आते हैं कि हाँ जी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम। 80% लोग जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उन्हें हम महज दवाइयाँ, स्प्लिंट या कलाई के लिए पट्टा और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से हम इसका इलाज कर सकते हैं, और सिर्फ 15-20% लोगों को शायद इंजेक्शन या तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 80% लोगों में जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम है उन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और महज 15-20% लोगों में ऑपरेशन की ज़रूरत या तो इंजेक्शन देने से भी ठीक हो सकता है। परंतु आपका इलाज योग्य तरीके से हो इसीलिए इसके लिए आपने किसी स्पेशलिस्ट हैंड सर्जन से मिलना ज़रूरी होता है, और उन्होंने आपको बताना चाहिए कि आपके लिए सबसे उचित और सबसे योग्य इलाज क्या होगा। अगर आपको मैंने बताए हुए किसी भी प्रकार के चिन्ह या सिम्टम्स अगर हो तो आप नज़दीकी अस्पताल में हैंड सर्जन स्पेशलिस्ट से मिलें, उनकी राय लें और योग्य इलाज करवाएं, ये आपसे अनुरोध है। आपको अगर कार्पल टनल सिंड्रोम या उससे जुड़ी हुई कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं और आपके लिए हम इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए इलाज के बारे में बता पाएँ ये हमें आनंद देगा और हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।